9 सालों में भारत जिस कद के साथ अभी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये वाकई खास है। और जब खास होता है तो खास लम्हे पर प्रधानमंत्री उसे और खास बनाने के लिए भी लगातार पहल करते हैं। और इसको इस पल को जब अमेरिका में प्रधानमंत्री पहुंचे जो बाइडन से मिलने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो उस लम्हे को भी उन्होंने यादगार और खास कैसे बनाया, तो वो थे तोहफे। और तोहफे क्या थे, इन तोहफों के बारे में अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गले लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनकी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन भी उनके साथ मौजूद थी। बाइडेन और उनकी पत्नी पीएम मोदी को व्हाइट हाउस के अंदर लेकर जाते हैं और इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तोहफे भी आदान प्रदान किए। बाइडेन के स्टेट गेस्ट बनकर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने उन्हें बेहद खास तोहफे भी दिए हैं। इन तोहफों में भारतीय संस्कृति की झलक थी तो हिंदू परंपराओं की छाप भी दिखी। और ऐसा ही एक विशेष तोहफा है दृष्ट सहस्त्र चंद्रो। दृष्ट सहस्त्र चंद्रो यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पूर्णमासी के 1000 चांद देख लिए हो, यानी जिसने 1000 फुल मून देख लिया हो। और एक वर्ष में 12 पूर्णमासी की रात होती है। इसके अलावा हर 5 वर्ष में 2 अतिरिक्त पूर्णिमा की रातें भी आती है, यानी इस गणित के हिसाब से 80 वर्ष पूरे कर चुका व्यक्ति को इस अवधि तक 922 पूर्ण चंद्र वो देख चुका होता है। और 80 वर्ष 8 महीने की उम्र में वो 1000 पूर्ण चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, यानी इतनी उम्र के व्यक्ति को ही दृष्ट सहस्त्र चंद्रो कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की उम्र इस समय 80 वर्ष 8 महीने नहीं 7 महीने हुए हैं, और इस लिहाज से वो अगले महीने दृष्ट सहस्त्र चंद्रो हो जाएंगे। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मौके पर सत्ताभिषेक और 10 अलग अलग तरह की वस्तुओं के दान की परंपरा है, और इसे ही 10 दानम भी कहा जाता है। यानी पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को जो बेहद विशेष तोहफा यानी उपहार दिया है वो दरअसल 10 दानम ही है। और अब हम सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें है क्या क्या। चंदन की विशेष लकड़ी से बने ये जो बॉक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है। गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है और सभी देवताओं में सबसे पहले उनकी ही तो पूजा का विधान है। और इस मूर्ति को कोलकाता के स्वर्णकारों की 5वीं पीढ़ी ने बनाया है। इस बॉक्स में एक दिया भी है, रोशनी और ज्ञान का प्रतीक। ये दिया हिंदू संस्कृति में एक खास स्थान रखता है, बेहद अहम स्थान रखता है। बॉक्स में मौजूद ये दिया चांदी से बना हुआ है और कोलकाता के कारीगरों ने इसे तैयार किया है। इसके अलावा इस बॉक्स में 10 दानम के रूप में चांदी के 10 छोटे डिब्बे हैं, जिनमें गोदान के प्रतीक के रूप में चांदी से मढ़ा नारियल रखा गया है। इसे पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने तैयार किया है। 10 दानम में दूसरा स्थान भूदान का है और बक्से में इसके प्रतीक के रूप में चंदन का टुकड़ा रखा गया है। इसे विशेष तौर पर मैसूर से लाया गया है। 10 दानम में तीसरे स्थान पर तिलहन आता है। इसके लिए बॉक्स में तमिलनाडु से मंगाए गए सफेद तिल रखे गए हैं। चौथे स्थान पर हिरण्य दान यानी कि सोने का दान होता है। इसके लिए बॉक्स में राजस्थान के कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया गया 24 कैरेट का सोने का सिक्का भी रखा गया है। पांचवें स्थान पर आज्ञा दान है। इसके तहत घी या मक्खन दिया जाता है और इसलिए बॉक्स में पांचवें डिब्बे में पंजाब से मंगवाया गया घी रखा गया है। 10 दानम में छठा स्थान वस्त्र दान का है और वस्त्र के प्रतीक के रूप में रेशम का टुकड़ा रखा गया है। तसर रेशम के नाम से विख्यात इस रेशम को झारखंड के कारीगरों ने हाथ से बुनकर तैयार किया है। 10 दानम में सातवां स्थान धान यानी कि अनाज के दान का है। इसके लिए बॉक्स में उत्तराखंड के लाए गए चावलों को भी रखा गया है। 10 दानम में मिष्ठान का भी दान होता है और इसके लिए इस प्रतीक के रूप में बॉक्स में महाराष्ट्र से मंगवाए गए गुड़ का टुकड़ा भी रखा गया है। 9वें स्थान पर रौप्य दान यानी कि चांदी का दान किया जाता है। इस बॉक्स में इसके प्रतीक के रूप में चांदी का एक सिक्का भी रखा गया है, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने विशेष रूप से तैयार किया है। 10 दानम में आखिरी दान नमक का दान है। इसलिए पीएम मोदी ने जो बाइडन को दृष्ट सहस्त्र चंद्रो नाम का जो उपहार दिया है उसमें आखिरी डिब्बे में गुजरात के नमक को भी शामिल किया गया है।
तो पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हिंदू मान्यताओं के मुताबिक बेहद विशेष दृष्ट सहस्त्र चंद्रु नाम के उपहार तो दिए ही, उन्हें 10 प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की पुस्तक भी भेंट की है। और ये आप उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये दोनों ही तोहफे भारतीय संस्कृति और हमारे महान विरासत को दर्शाते हैं। लेकिन इन तोहफों में भारत की समृद्ध विरासत ही नहीं, उज्जवल भविष्य भी नजर आता है। Z News.